हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी एस विकास वर्मा। फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली कंपनी इनकॉर्पोरेशन में काफी मेजर इशू आ रहा है जो डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड है। डीएससी को अफिक्स करते टाइम या डीएससी को अफिक्स करने के बाद में अपलोड करते टाइम पे काफी बार इशू आ रहा है कि दैट योर डीएससी इज नॉट रजिस्टर्ड विद डिन नंबर ऑन एमसीए पोर्टल। तो इस तरह के जो टेक्निकल इश्यूज है दैट रिक्वायर्ड डीएससी आर नॉट अफिक्स, ये भी एक टेक्निकल इशू है। जब आप अपलोड करते हो, अपलोड करते टाइम पे ये एक एरर आता है। तो ये एरर क्यों आ रहा है, ये एरर का सॉल्यूशन क्या है या एरर आने का रीजन क्या है? तो सबसे पहले, काफी बार क्या होता है कि किसी भी डायरेक्टर का मल्टीपल डीएससी होते हैं। मल्टीपल डीएससी मींस एक डायरेक्टर के दो या दो से ज्यादा डीएससी होते हैं। वो इसलिए होते होंगे कि शायद इनकम टैक्स या फिर जीएसटी या फिर एमसीए या आरओसी पोर्टल के लिए सेपरेट डीएससी होगा, या फिर काफी बार क्या होता है डीएससी बनाने के बाद में वो मिसप्लेस हो जाता है तो नया डीएससी हम बना लेते हैं, बट जो पुराना वाला डीएससी है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड रहता है, तो उसके बाद में हम नया डीएससी जो है वो एमसीए पर रजिस्टर नहीं करते। तो होता क्या है कि रजिस्टर्ड पुराना वाला रहता है एमसीए पोर्टल पे, बट न्यू डीएससी हम फॉर्म में लगा रहे हैं, तो इसके कारण भी ये एक प्रॉब्लम आ सकती है। और प्रॉब्लम क्या रहती है कि आपको डिजिटल सिग्नेचर जो है, हर डिजिटल सिग्नेचर का एक सेपरेट सीरियल नंबर होता है, एंड दैट सीरियल नंबर इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द एमसीए पोर्टल आफ्टर रजिस्टरिंग ऑफ द डीएससी। तो वो क्या है, उसको एक बार एक जो हमने एक फाइल है उस फाइल के थ्रू हम देखते हैं, जो आपको स्क्रीन पर भी शेयर करते हैं। यहाँ पे जनरली जो अभी डीएससी को लेके जो एरर आ रहा है, वो डीएससी को लेके ये एरर है कि द डीएससी इज नॉट रजिस्टर्ड विद डिन नंबर ऑन एमसी पोर्टल। हालांकि जो डीएससी है, डिजिटल सिग्नेचर है, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, बट फिर भी ये एरर आ रहा है द डीएससी इज नॉट रजिस्टर्ड विद डिन नंबर ऑन एमसी पोर्टल। या फिर वो एरर इस तरीके से भी हो सकता है, द रिक्वायर्ड डीएससी आर नॉट अफिक्स। इसका मतलब यह है कि अगर आपका डीएससी रजिस्टर्ड है फिर भी ये एरर आ रहा है, तो इसका मतलब यह कि आपको क्रॉस चेक करना होगा कि जो डीएससी एमसीए पे रजिस्टर्ड है बिजनेस यूजर लॉग इन करके, और जो डीएससी आप फॉर्म पे लगा रहे हो वो सेम डीएससी है क्या। अब वो कैसे पता चलेगा द डीएससी सेम और नॉट, यहाँ पे आप बीयू लॉगिन में जाइए और जो सीरियल नंबर है, इस तरह से सीरियल नंबर है, सेकंड पेज पे हम आते हैं। बीयू लॉगिन में जब आप जाते हो तो बीयू लॉगिन में नीचे ही नीचे जो है शो डीएससी का ऑप्शन है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो शो डीएससी रेड बॉक्स के ऊपर, और यहाँ पे डिन नंबर होता है लेफ्ट साइड में, डिन नंबर के साइड में राइट साइड में डीएससी सीरियल नंबर, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सीरियल नंबर। ये सीरियल नंबर आपका जो डिजिटल सिग्नेचर है उससे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आपको क्रॉस चेक करना होगा। अगर द डीएससी सीरियल नंबर इज मैचिंग, इसका मतलब ये है कि वो इश्यू रिजोल्व हो सकता है, बट अगर सीरियल नंबर जो बिजनेस यूजर लॉगिन में सेपरेट है और आप जो फॉर्म पे अफिक्स कर रहे हो वो जो डीएससी है उस पर सेपरेट है, तो आपके ये एरर कंटिन्यूसली आएगा दैट योर डीएससी इज नॉट रजिस्टर्ड विद द डिन नंबर ऑन एमसीए पोर्टल, और द रिक्वायर्ड डीएससीज आर नॉट अफिक्स्ड और द एनी रिवोकेशन एरर। ओके, तो यहाँ पे डीएससी पे कैसे चेक करना है कि डिजिटल सिग्नेचर जो हमने अफिक्स कर रखा है सिस्टम में, तो उसमें आपके जो थर्ड पेज है, थर्ड पेज पे आप जब आते हो तो यहाँ पे सीरियल नंबर का ऑप्शन है। इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, यहाँ पे अगर आपका जो भी टोकन है वहां पे आप लॉग इन करिए, उस ड्राइवर में जाके उस ड्राइवर को इंस्टॉल कीजिए, उसके अंदर आप लॉग इन करोगे। लॉग इन करने के बाद में आपको डिटेल्स में सीरियल नंबर आएगा सेकंड पॉइंट पे आफ्टर वर्जन। तो यहाँ पे सीरियल नंबर जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ DB55 है लास्ट में, बाकी हमने ब्लर कर रखा है DB55, और यहाँ पे एमसीए पे आप जब आते हो यहाँ पे भी DB55 है। इसका मतलब सीरियल नंबर जो डीएससी का है वो एमसीए पे है, और जो ऑलरेडी जो डीएससी आपने फिक्स कर रखा है सिस्टम में वो सेम है। इसका मतलब ये है कि ये एरर आपका रिजोल्व हो सकता है, और अगर ये एरर कंटिन्यूसली आ रहा है तो आपको ये चेक करने की जरूरत है कि आपका सीरियल नंबर जो है, जो फॉर्म में लगा रखा हो और जो आपने ऑलरेडी डीएससी सिस्टम में लगा रखा है, वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर मान लीजिए डीएससी सीरियल नंबर आपका मैच नहीं करता है, तो आपको वो डीएससी रजिस्टर करना है जो डीएससी आप फॉर्म में लगा रहे हो अभी एट प्रेजेंट, जो भी आप फॉर्म में आप डीएससी लगा रहे हो उस डीएससी को आपको एमसीए बिजनेस यूजर लॉगिन में रजिस्टर करना है, वरना ये जो एरर है ये कंटिन्यूअसली आती रहेगी। फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली वर्जन 3 में काफी सारे टेक्निकल इश्यूज हैं, और टेक्निकल इश्यूज डे बाय डे थोड़ा रिजोल्व भी हो रहा है। डिजिटल सिग्नेचर को लेके है, अपलोडिंग को लेके है, लॉग इन इशू क्रिएट को लेके है, ईमेल आईडीज पे और मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी है उनको लेके काफी सारे इश्यूज आ रहे हैं, बट मीनवाइल काफी सारे इश्यूज रिजोल्व भी हो रहे हैं एमसी टीम की तरफ से। बट ये जो एरर्स हैं, इन एरर्स को आप पेशेंटली चेक करोगे तो कुछ एरर्स जेन्युइन भी है, कि ये डीएससी को लेके जो एरर्स आ रहे हैं वो जेन्युइन एरर है, तो उनपे आपको वर्क करने की जरूरत है कि ये एरर क्यों आ रहा है। तो काफी लोग बोलते हैं कि सर डीएससी ऑलरेडी रजिस्टर्ड बट फिर भी एरर आ रहा है, तो एमसीए में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, साइट में कोई प्रॉब्लम है। बट मैं ये समझता हूँ कि एक बार आपको उस एरर को डीपली देखना भी चाहिए और आपको ऑब्जर्व करना चाहिए कि ये एरर क्यों आया, किस रीजन के कारण एरर आया।
अगर मान लीजिए वो एरर हमारी गलती के कारण है, प्रोफेशनल की गलती या क्लाइंट की गलती या किसी की भी गलती के कारण है, तो उसको हम रिजोल्व कर सकते हैं। पर टेक्निकल इश्यू साइट में है, मैं ये समझता हूँ। बट धीरे धीरे जैसे LLP version 3 में भी जो वेबसाइट है वो स्मूथली होती गई टाइम बींग, तो इस तरह से version 3 ऑफ कंपनीज भी स्मूथली हो रही है। जनवरी से जून अभी 6 महीने हो गए, काफी सारी इश्यूज जो जैन फेब में थी वो अभी जून या जुलाई में वो एरर्स नहीं है। बट फिर भी आप कंटिन्यूअसली वर्क करिए, और MCA version 3 पे जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें सब प्रोफेशनल्स या क्लाइंट्स को पेशेंटली वर्क करना होगा। जो भी टेक्निकल इश्यूज है उनके लिए हम वीडियोज बनाते रहते हैं, और अगर आपको लगता है कि हमारे इस तरह की वीडियोज आपके लिए फ्रूटफुल है, तो आप हमारे चैनल जो है वो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और आप ऐसे वीडियोज आप शेयर भी कर सकते हो बाकी अपने प्रोफेशनल कलीग्स को। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।